हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, काफ़ी लोगों का क्वेरी आता है कि हमारे जो अपराजिता का प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो एग्जैक्टली मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं होती। तो गाइस, इसमें फ्लावर ना आने का कारण एक ही होता है। जैसे कि आपको पता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है अपराजिता का। अपराजिता हो गई, मॉर्निंग ग्लोरी हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। बट कोई लोग क्या इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको समझाना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रेट्स कहाँ पे थे? सो गाइस, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि किसी ने वीडियो में नोटिस किया होगा कि आखिर मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बट जो बिगनर है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो छोटा सा होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो सिंपली फ्लावर्स तो आने का एक ही कारण है, ना आने का कारण। ऑब्वियसली होता क्या है, जैसे कि हमारा अपराजिता का प्लांट होता है, उसमें एक बार का फ्लावर खूब अच्छे से आता है। आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, ना तो ज़्यादा उसमें कुछ फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है ना कुछ। बस आप एक उसको सपोर्ट दे दीजिए ऊपर चढ़ने के लिए, तो आसानी से हमारा प्लांट है वो सर्वाइव कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो इसकी वजह क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है फली, देख पा रहे हो, ये है इसकी मेन वजह। होता क्या है, इसमें एक बार हमको फ्लावर मिलने के कारण, जैसे इनमें कुछ इस तरीके की फलियाँ बनने स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ आप देख पा रहे हो, ये जैसे ये फलियाँ बनती है इस प्लांट में, तो होता क्या है, जो प्लांट होता है पूरी एनर्जी इनमें वेस्ट करने लग जाता है। इनमें जो सीड्स होते हैं उनमें एनर्जी वेस्ट करने लग जाता है। इसी वजह से हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावर हमको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमारा प्लांट है वो भी थोड़ा सा ऐसा डीमोटिवेट हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। इसी तरीके से हमारा प्लांट होता है, तो आपको थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है। जैसे हमारे फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, आपको डेड हेडिंग जारी रखनी है। अब प्राची से मतलब नहीं है, जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं सभी में सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा फ्लावर ख़त्म होता है, आप उनकी डेड हेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी, आप इसको हाथ से भी कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। जैसे कि देख पा रहा हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे ही करके। और आपको एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं खुद यूज करता हूँ, आप अपराजिता के प्लांट में हर एक हफ्ते या 15 दिन में आप इसमें गुड़ाई करते रहे। फर्टिलाइज़र मत दीजिए, बस आप गुड़ाई करते रहे। जो इसके प्लांट में गुड़ाई करने से क्या, ऊपर की जो टॉप लेयर होती है सोइल की, उसमें नमी बनी रहती है और प्लांट हमारा अच्छे से हेल्दी बना रहता है और फ्लावरिंग भी अच्छे से करता रहता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके ज़ोर से बताना। सो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। हाँ, तब तक लिए बाय ऑन हैप्पी गार्डनिंग, बाय।